हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का जिम सिमुलेटर 24 के एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं जिम सिमुलेटर 24। एंड जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने जिम को फर्स्ट टाइम ओपन किया था, जहां पर हम लोगों ने अपने जिम को थोड़ा बहुत साफ सफाई करके फाइनली अपने जिम को ओपन कर लिया था। एंड थोड़ा बहुत इक्विपमेंट को भी हम लोगों ने बाय कर लिया था, जैसे कि अपना डंबल प्रेस, बेंच प्रेस, रो मशीन, ट्रेडमिल। बट वो सारा इक्विपमेंट हमारे जिम के लिए इनफ नहीं था, क्योंकि हमारे जिम में फर्स्ट डे से ही ना कस्टमर लोग काफी ज्यादा आ रहे थे एंड उनको इक्विपमेंट की जरूरत थी। एंड गाइस यार, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग अपने जिम के लिए काफी सारे इक्विपमेंट को बाय करने वाले हैं, अपना जो जिम का बिजनेस उसको काफी ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो गाइस यार, चलते फटाफट से हम लोग अपने गेम के अंदर। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू जिम सिमुलेटर 24। एंड गाइस, आ चुके हम लोग फिलहाल के लिए अपने जिम के अंदर। एंड जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो भाई, लिटरली अपना जो सुबह का टाइम है ना, वो काफी ज्यादा कस्टमर अपने आ भी रहे हैं। तो यार अभी ना हम लोगों को दो चार काम यहाँ पर तो करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, अपना जो ट्रेडमिल है एंड डंबल प्रेस है, वो भी यार काफी ज्यादा खराब हो चुका है। एंड अपना जो जिम है ना, वो लिटरली काफी ज्यादा गंदा भी हो चुका है। बट एक काम करते हैं, पहले अपने कस्टमर को हम लोग डील कर लेते हैं। हेलो जी आंटी, गुड मॉर्निंग। तो आपको चाहिए स्टैंडर्ड वाला आप ले लो। एंड दूसरा जो है वो, इनको कौन सा चाहिए, इनको भी स्टैंडर्ड वाला चाहिए। तो यार फटाफट से इनका हम लोग काम तमाम करते हैं। बाकी हाँ, आज हम लोगों को काफी ज्यादा इक्विपमेंट को बाई करना पड़ेगा। बाकी हाँ, दो चार काम तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली डन कर लिया। आज तो हमारा गाइस डे टू है, और लिटरली ये देखो आप लोग भाई, लिटरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, मतलब ट्रेस जो है बंदा लिटरली पता नहीं क्यों गिरा के यहाँ चले जाता है। ये भी थोड़ा खराब हो चुका है, तो फटाफट इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। कस्टमर जो है वो आने ही वाले अपने जिम के अंदर। ओके जी, ये भी ठीक हो चुका है। एंड इसको भी हम लोग रिपेयर कर लेते हैं फटाफट से। बाकी हाँ, एक यहाँ पर जो है ये भी, इसको भी हम लोग को रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर का काम तो अपना फाइनली फटाफट से हो चुका है। वेल तो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पर सारा काम कर लिया। बाकी वेट, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ओके तो गाइस, देख रहे हो आप लोग भाई, लिटरली डे टू है हमारा, और डे टू में काम देखो आप लोग भाई, लिटरली कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। थोड़ा बहुत यार साफ सफाई करना पड़ेगा अपने जिम के अंदर। ये देखो आप लोग, कितना ज्यादा गंदा हो चुका है भाई। ओके, तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं फटाफट से शॉप के अंदर। एंड गाइस, पहले ना हम लोग बाय करने वाले हैं ये लैट पुल डाउन, इनको हम लोग यूज बहुत ज्यादा होने वाला अपने जिम के अंदर। एंड दो योगा मैट को हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। बाकी ये क्या है यार, ये बैक डेस्क, इनको भी हम लोग बाय कर लेते हैं, क्या पता कस्टमर लोगों को यार यूज करना पड़े। तो ये हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, रुको थोड़ा ना। ओ यार देखो आप लोग गाइस, यहाँ पर कस्टमर भी आ चुके हैं हमारे ऑफिस के अंदर। लो क्लास चाहिए भाई साहब को, भाई आप एक काम करो, लो क्लास आप भी ले लो। आपको कौन सा चाहिए, स्टैंडर्ड क्लास चाहिए, भाई आप भी एक काम करो ले लो फटाफट से। बाकी यार ये देखो आप लोग, लिटरली डे टू है हमारा, और डे टू में ना भाई लिटरली कितना ज्यादा काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। ओके आई थिंक यार इसका जो परफेक्ट जगह है ना, वो यहाँ होने वाला है, यहाँ पर हम लोग सेट कर लेते हैं यार, बाद में हम लोग जो इसको यार ठीक कर लेंगे। एक योगा मेट है गाइस, योगा मेट को ना हम लोग कुछ ऐसा सेट करते हैं जहाँ पर ना यहाँ पर सेट कर लेते हैं, काफी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है जी। बाकी दूसरा जो योगा मेट रहने वाला, वो यार इधर ही हम लोग सेट कर देते हैं, ताकि ये कस्टमर को आसानी हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो योगा मेट यहाँ पर आ गया, दूसरा योगा मेट यहाँ पर आ गया, तीन चीज और है हमारे पास। एक एक करके ना सारी चीज को हम लोगों को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। आई थिंक यार एक बंदा को हम लोगों को हायर करने का जरूरत पड़ने वाला है, तो उनको भी हम लोग फटाफट से हायर कर लेते हैं। क्योंकि यार देख रहे हो आप लोग, मतलब एक बंदा लिटरली किधर जाए भाई, मतलब इक्विपमेंट को ठीक करे या क्या करे भाई, लिटरली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज हम लोग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। एंड इसका जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ये जगह ठीक है, क्योंकि यार इसके बगल में रहेगा तो काफी ज्यादा ठीक ठाक रहेगा। गाइस एक काम करते, एक बंदा को हम लोग हायर कर ले क्या, क्योंकि यार देख रहे हो आप लोग, मतलब कितना ज्यादा काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। जिम का साफ सफाई भी हम लोगों को करना पड़ रहा है, बाकी इक्विपमेंट को भी हम लोगों को ठीक ठाक करना पड़ रहा है। तो यार एक बंदा तो हायर करना यार काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं यार, इसमें अगर हम लोगों को ऑप्शन मिले तो उनको भी हम लोग हायर कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर आ चुका स्टाफ का लिस्ट, जहाँ पर काफी सारे स्टाफ जो है ना हमारे मतलब साथ रह सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बंदा का नाम है माइक, $500।
डेली सैलरी गाइस $500 है इस वाले बंदे का। ये बंदा लिटरली सिर्फ मतलब क्लीन ही करेगा, तो बाकी सारे बंदे को हम लोग हायर कर सके। एक तो बंदा भाई लिटरली $1200 का है, इस वाले बंदे को हम लोग हायर कर लेते हैं। तो इनके आने के बाद ना हमारा जो काम है ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई ये बंदी यहाँ पे क्या कर रही है? हेलो जी, आई थिंक यार एक दो योगा मेट का हम लोगों को और जरूरत अगर पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे, बाकी सारा चीज तो। ओ हेलो भाई, गुड मॉर्निंग भाई। ये देखो गाइस, ये बंदा लिटरली यहाँ पर आ चुका है, और शायद से ये बंदा आई थिंक यार ये सिर्फ साफ सफाई करेगा, बाकी क्या करेगा ये तो फिलहाल कुल हम लोगों को देखना पड़ेगा। कस्टमर भी काफी सारे आ चुके हैं हमारे जिम के अंदर। ओके ओके, एंड इसका भी भाई स्प्रे मारने से पता नहीं क्या है। ओके, और रुको, यहाँ पर यार इक्विपमेंट तो खराब है अपना। आई थिंक यार ये ठीक करेगा कि नहीं करेगा ये तो पता नहीं, बाकी हाँ साफ सफाई का काम ये बंदा लिटरली काफी मस्त कर रहा है, तो इनको हम लोग फटाफट से करने देते हैं। हेलो जी, तो आपको कौन सा चाहिए? आपको स्टैंडर्ड वाला चाहिए, तो आप भी स्टैंडर्ड वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। ओके, और भाई लिटरली ये देखो आप लोग, मतलब रुको, ये देखो भाई लिटरली कितना ज्यादा बंदा आ रहा है हमारे पास। हम लोग आ जाते हैं अपने शॉप के अंदर, एंड एक योगा मैट हम लोग बाई कर लेते हैं। बाकी हाँ योगा मैट का काम यार देख रहे हो आप लोग, मतलब जितना भी बंदा है ना, एक योगा मैट हम लोग यहाँ पर ऐसे करके प्लेस कर देते हैं। आई थिंक यार यहाँ पर 3 योगा मैट ठीक ठाक है। और भाई अपना जो हायर स्टाफ है ना भाई, ये पहली फुर्सत में निकल 3-3 बंदा, यार माहौल खराब कर रहा है अपने जिम का। भाई क्या दिक्कत है यार, अपने जिम के अंदर काफी ज्यादा कस्टमर तो आ ही रहे हैं, एंड भाई इसमें से 2-4 बंदा ना पता नहीं क्या दिक्कत है अपने जिम का माहौल खराब कर देता है। एंड आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड गाइस यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain...